अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हमज़ा चौधरी और आप देख रहे हैं ट्रैवलॉग बाय हमज़ा। आज हम बात करेंगे कनाडा के हवाले से। कनाडा के बारे में आजकल लोग पागल हुए हैं और पाकिस्तानी बहुत लोग अप्लाई कर रहे हैं। एजेंट्स ने कनाडा को ऐसे कर दिया है जैसे आपने किसी छोटे से कंट्री का वीज़ा लगवाना हो। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि डन बेस का कहते हैं और लोगों को धोखा देते हैं, और यहाँ ये कहते हैं कि 100% वीज़ा लगवाएं कनाडा का, आपका 100% हम काम करेंगे। तो पाकिस्तान में भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि इन बातों में आके अपने पैसे ज़ाया करते हैं, साथ ही साथ टाइम ज़ाया करते हैं। तो आज हम ये तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि इसकी हकीकत क्या है और कनाडा का वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, इसके अलावा मेरा टिकटॉक चैनल भी फॉलो करना ना भूलिएगा। तो बात कर लेते हैं कनाडा की। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तानी अवाम जो है आजकल हर कोई चाहता है कि वो आउट ऑफ कंट्री जाए और वहाँ जाके अपनी लाइफ सेटल करे, वहाँ पे जाके पैसे कमाए। इसमें जो सरफहरिस्त जो कंट्रीज़ हैं वो यूके है, कनाडा है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, इन कंट्रीज़ में लोग जाना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि ये कंट्रीज़ काफ़ी बड़े कंट्रीज़ हैं और इनका वीज़ा लेना कोई आसान काम नहीं है। तो इसी बात का जो है एजेंट्स फ़ायदा उठाते हैं और वो आपको कहते हैं जी आप हमसे काम करवाएं, हम डन बेस पे आपका काम करते हैं। आप मुझे एक बात बताएं, आजकल तो कोई भाई भाई के लिए पैसे नहीं लगाता, तो कोई भी बंदा आपके लिए क्यों पैसे लगाएगा? और इसके दो तीन जो हैं सिनेरियोज़ होते हैं जिसमें वो आपको धोखा देते हैं। एक तो वो ये कहते हैं कि हम आपका डन बेस पे वर्क परमिट लगवाएंगे। अब वर्क परमिट जो है उसकी कॉस्ट डिफरेंट है, जो कि ये सेल करते हैं एजेंट्स को 60 लाख ले रहा है, को 90 लाख ले रहा है, को 80 लाख ले रहा है। तो बिल्कुल ये फ्रॉड करते हैं आपसे। कुछ लोग तो एडवांस ले लेते हैं और एडवांस लेके कुछ महीनों बाद आपको कहते हैं कि जी आपका वर्क परमिट नहीं आ सका और आप पैसे ले लें। वो आपका 6-7 माह आपका पैसा सर्कुलेट करते हैं और उससे पैसे से ही पैसा बनाते हैं। इसके अलावा दूसरा सिनेरियो ये होता है कि वो कहते हैं जी हम आपका विज़िट अप्लाई करेंगे, अगर आपका लग गया तो आपने 35 या 40 लाख देना है, ना लगा तो हम आपसे कुछ भी नहीं लेंगे। वो आपकी वो लक आजमाते हैं अपनी भी और आपके भी, आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं और बल्कि कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं। अगर फेक डॉक्यूमेंट्स की वजह से कोई प्रॉब्लम बनेगा वो आपको बनेगा, उनका तो कुछ भी नहीं जाना। और अगर वो लग जाता है तो वो आपसे पैसे ले लेंगे, नहीं लगेगा वो कहेंगे जी हमने तो आपसे कोई चीज़ ली ही नहीं थी, तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। ठीक है, तो आपने इन तमाम चीज़ों से बचना है। सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप ख़ुद अपने आप का जो प्रोफाइल है उसको तैयार करें, आप देखें कि आप इस वीज़े के लिए कैपेबल हैं, आप किस कंट्री के लिए कैपेबल हैं कि आप उस कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकें। लेकिन मैं डन बेस को एक फ्रॉड कहता हूँ। डन बेस की तरह का कोई चीज़ नहीं होती और कोई किसी के लिए पैसा नहीं लगाता, ना ही कोई किसी के लिए खपता है। हमेशा आप ही अपने लिए जो है अच्छा सोच सकते हैं, और बेहतर यही होता है कि आप जो है अपनी सारी चीज़ें देख के फिर लोगों को पैसा दें। ऐसे ही हर किसी को आप पैसा ना दे दें। काफ़ी लोग मेरे पास भी आते हैं टिकटॉक से, काफ़ी लोग रब्ता करते हैं और बताते हैं कि हमने फलां को पैसे दिए थे, 6 माह हो गए अभी तक वीज़ा नहीं है वगैरह, महीने बाद आएगा, 2 महीने बाद आएगा, और इसी तरह हमने पैसा दिया था तो फेक हमें उसने वर्क परमिट दे दिया या फेक वीज़ा दे दिया। तो इस तरह के बहुत सारे मामलात हैं, और मैं अपने भी कई सर्कल में लोगों को जानता हूं जिन्हों को मैंने मना किया था कि आप विजिट वीज़े को ऐसे ना अप्लाई करें, आप अपनी पहले प्रोफाइल चेक करें आप इसके काबिल हैं या नहीं हैं। लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी और उन्होंने वीज़ा अप्लाई कर दिया और उनका 3-4 माह भी ज़ाया हुआ और वीज़ा भी नहीं लगा। तो लोग कहते हैं कि क्या है, सिर्फ $185 तो इसकी फ़ीस है, तो कोई मसला नहीं है, हम जो है अप्लाई कर देते हैं, लग गया तो ठीक, नहीं तो ना सही। इसमें ये बात उनकी सही है, लेकिन देखें एक एक को जब भी आपने कोई काम करना होता है ना तो आपको पता होता है कि ये काम आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या आप इस वीज़ा कैटेगरी को लेने के लिए फॉल करते हैं या नहीं करते। आप अपनी प्रोफाइल देखें। अब आसान तरीका इसका अगर ये होता है आप खुद इसका वीज़ा अप्लाई करें, आपने IRCC की वेबसाइट पर जाना है, कनाडा की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाके आपने साइन अप करना है। वहाँ पर बहुत ईजी फॉर्म है, ठीक है, और जो एजेंट्स हैं वो भी ऐसे ही करते हैं। वो कौन सा कोई उनकी कौन सा कुछ सेटिंग होती है, जो लोग कहते हैं कि हमारी सेटिंग है, ऐसा कोई सीन नहीं होता। आप खुद स्पेशली कनाडा में ऐसा कुछ नहीं होता, और आप खुद इसको वीज़ा अप्लाई करें। उसमें अगर आपका रिजेक्ट होता भी है तो आपको कम से कम सीखने को मिलेगा कि वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं, क्या रीज़न होती है रिजेक्शन की। इसमें मैं आपको तरीका कर बता देता हूँ कि आपने कैसे अप्लाई करना है। आपने सबसे पहले IRCC की वेबसाइट पर जाके साइन अप कर लेना है, उसके बाद आपने अपना फॉर्म फिल करना है। फॉर्म में बेसिक चीज़ें ही पूछी जाती हैं जो कि आपकी प्रोफाइल होती है, आप क्या बिज़नेस करते हैं, क्या जॉब करते हैं, आपकी फैमिली कितनी है और आपके पाकिस्तान में एसेट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आपने उनको शो करवानी होती हैं।
और सबसे ज़रूरी बात, आपने वीज़ा अप्लाई करने से पहले अपनी प्रोफाइल देखनी है कि आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, या आपके किसी अच्छे कंट्रीज़ के वीज़ाज़ लगे हुए हैं, या आपकी अगर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं भी है तो आपकी पाकिस्तान में इतनी स्ट्रॉन्ग टाइज़ हैं, आपके एसेट्स इतने हैं, आपका बिज़नेस या आपकी जॉब इतनी अच्छी है कि वीज़ा ऑफिसर आपको वीज़ा दे देगा, और आपने उनको ये यकीन दिलाना होता है कि आप पाकिस्तान में वापस आएंगे। उसमें आप मैक्सिमम चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं, अपने एसेट्स, आपके नाम पे कोई गाड़ी है, घर है, आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है, इसके अलावा आपका बिज़नेस है, जॉब है, बैंक स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें हैं आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं और यकीन दिला सकते हैं कि आप एक जेन्युइन विज़िटर हैं और आप वापस आएंगे। और डॉक्यूमेंट्स में भी जस्ट यही चीज़ें चाहिए होती हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं आपकी जॉब के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है, आपका जो एसेट्स होते हैं वो होते हैं, आपका FRC, MRC और इस तरह की बेसिक चीज़ें ही, सिर्फ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो कि आप नहीं कर सकते। एजेंट्स को भी आपने खुद ही देने होते हैं डॉक्यूमेंट्स, और वो सारा काम तो आप कर लेते हैं जो कि मेहनत तलब काम होता है, और जस्ट वीज़ा फॉर्म फिल करने पे आप रह जाते हैं। मार्केट में लोग डिफरेंट पैसे ले रहे हैं, 50,000 से लेके कोई 2-2 लाख तक भी लोग ले रहे हैं, कुछ एजेंट्स कुछ ऐसे भी हैं जो कि वीज़ा फाइलिंग से ही वो बहुत ऊपर आ गए हैं। आप देखें, अगर उन्होंने 100 बंदों का भी वीज़ा फाइल किया और एक बंदे से 2 लाख भी लिया उन्होंने, और उनमें 10 बंदों का भी लग जाता है, तो उन्होंने जस्ट वही शो करवाना है जिनका लगा है, जिन 90 का नहीं लगा उन्होंने वो नहीं शो करवाना, और नॉन रिफंडेबल उनकी अमाउंट होती है, वो आपको 2 लाख आपका ज़ाया जाता है, $185 जस्ट फीस, और 2 लाख आप कंसल्टेंसी की फ़ीस दे देते हैं। तो खुद जो है हमें मेहनत करनी चाहिए, खुद इन चीज़ों को स्टडी करना चाहिए। अब तो बहुत आसानी, हर चीज़ नेट पर मौजूद है, आप उसको खुद स्टडी करें, अपने जो है प्रोफाइल को देखें, कनाडा या USA के वीज़ा को अप्लाई करने से पहले आप पहले अपनी थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं। ये जो मलेशिया वाली साइड है, मलेशिया, दुबई, थाईलैंड, सिंगापुर, ये वन गो में हो जाते हैं, 5 से 6 लाख इसका खर्चा आता है, आप यही हिस्ट्री बना लें तो फिर भी कुछ ना कुछ आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग हो जाती है। तो आपने डन बेस से बचना है, डन बेस के किसी बातों में नहीं आना, ना ही आपने किसी की ऐसी बातों में आना है कि 100% आपका वीज़ा लगेगा। वीज़ा का किसी को भी नहीं पता होता कि वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा। हाँ, कुछ परसेंटेज होती है जो कि आपकी प्रोफाइल को देख के अंदाज़ा किया जा सकता है कि आपकी प्रोफाइल अच्छी है या नहीं अच्छी, आपके कितने रेशियो है, कितने परसेंट चांस है आपके वीज़ा लगने के, उस बेस पे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। तो आसान तरीका यही है, अपने अपने भी पैसे बचाएं, अपना टाइम भी बचाएं। एजेंट्स तो अपने जो है पैसे ले लेते हैं पहले, और बाद में आप वेट करते रहते हैं। कनाडा का अक्सर जो है वीज़ा 3-4 माह बाद इसका डिसीजन आता है, तो आप उतनी देर बाउंड रहते हैं, तो आपका टाइम भी ज़ाया होता है। तो बेहतर यही है कि पहले अपने प्रोफाइल देख के ये सारे मामलात करें, और अपने जो पैसे हैं वो बहुत एहतियात से किसी को दें। आप जो है डन बेस, 100% वीज़ा, इन चीज़ों की तरफ ना जाएं, और पैसे आपके बड़े कीमती होते हैं, और एक दफ़ा पैसे जो गए होते हैं वो वापस आने मुश्किल होते हैं। तो मेरे पास तो डेली क्यूरीज आती हैं, लोग रो रहे होते हैं कि यार हमने पैसे दे दिए थे लेकिन अब वापस नहीं मिल रहे, इतने ज़ाया हो गए, उतने ज़ाया हो गए। तो इन चीज़ों से बचें, पाकिस्तान में आजकल ये बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है, जिनको कंसल्टेंसी या वीज़े का एक लफ्ज़ का भी नहीं पता, और वो भी कंसल्टेंसी और एजेंसीज बना के बैठे हुए हैं, और उनसे आप अगर थोड़ा सा भी पूछ लें किसी कंट्री के बारे में या वीज़ा फाइलिंग के बारे में, तो उनको बिल्कुल भी इस चीज़ की इंफॉर्मेशन नहीं होती, और हर बंदा पैसे कमाने को है कि फटाफट जो है जो हमारी एडवांस फ़ीस होती है वो ले लें, बाकी बाद में देखेंगे किसी का लगे या ना लगे। इसके अलावा पाकिस्तान में बहुत अच्छे लोग भी हैं जो कि विज़िट वीज़ा के बारे में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वो प्रॉपर आपकी पहले फाइलिंग देखते हैं, उनको लालच नहीं होता। मेरे सर्कल में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बड़ा अच्छा पहले डिटेल लेते हैं क्लाइंट की, और अगर वो उस काबिल होता है कि उसका वीज़ा अप्लाई किया जाए तो ही वो वीज़ा अप्लाई करते हैं, वरना वो रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं, आप पहले थोड़ी सी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करके आएँ। इसी तरह ही UK के हवाले से भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें आप UK का वीज़ा आसानी से ले सकते हैं, और मेरे ख्याल में इन सब कंट्रीज़ में से UK का वीज़ा लेना सबसे आसान है, क्योंकि UK जो है आपकी बैंक स्टेटमेंट के बेस पे आपको वीज़ा देता है। 3 to 4 months अपने बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करें, जो आपकी जॉब है या बिज़नेस है उसको प्रॉपर तरीके से ट्रांजेक्शन करें, और बाकी बेसिक डॉक्यूमेंट्स साथ अटैच करें, तो आपका 100% वीज़ा लगेगा। और उसमें आपको अगर नहीं भी लगता, बाद में प्री एक्शन प्रोटोकॉल रिव्यू में जाने का भी ऑप्शन होता है, तो उसमें काफ़ी चांसेस होते हैं कि आपका वीज़ा लग जाएगा। तो लोग कनाडा की तरफ भागते हैं कि कनाडा का वीज़ा लग जाएगा, और जितनी वैलिडिटी उतना लग जाएगा, वहाँ जाके वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन कनाडा कोई बच्चा नहीं है, वो भी आपको वो प्रोफाइल देखेगा, वो अच्छे अच्छे खासों का भी वीज़ा रिजेक्ट कर देता है जिनकी ऑलरेडी ट्रैवल हिस्ट्री भी होती है एक छोटी सी गलती से। तो आपने छोटी छोटी चीज़, जब भी आपने वीज़ा फाइल करना है, बेशक आप खुद करें, किसी से करवाएं,
आपने एक तो अपना जो लॉगिन होता है IRCC का वो अपने पास खुद रखना है, उसका पासवर्ड आपके पास भी होना चाहिए ताकि आप खुद भी चेक कर सकें। और अगर आप खुद करते हैं तो आपने छोटी छोटी चीज़ों को देखना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे तरीके से वेरीफाई करवाने हैं, जो आपकी बैंक स्टेटमेंट्स होती हैं वो आपने बैंक से वेरीफाई करवा के फिर उसमें स्कैन करके अटैच करनी है। और कनाडा की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, जस्ट आपने फॉर्म फिल करना है, उसके अलावा आपने डॉक्यूमेंट्स ही ऑनलाइन ही अपलोड कर देने हैं, और जस्ट आपको बायोमेट्रिक के लिए जाना पड़ता है। आपने बायोमेट्रिक VFS जिसको हम जेरिस भी कहते हैं वहाँ पे बायोमेट्रिक देंगे और आपका जो है उसके बाद डिसीजन आ जाता है। अब डिसीजन कनाडा कहता तो 15-20 दिन है लेकिन वो काफ़ी टाइम लगा देता है, कुछ लोगों का 15-20 दिन में भी आया है लेकिन कुछ लोगों का 4-4 माह बाद भी आया है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और बस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप फ्रॉड से बचें, पाकिस्तान में आजकल बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है और स्पेशली लोग जो आउट ऑफ कंट्री बैठे हुए हैं UK कनाडा, तो पाकिस्तानी उन लोगों पे बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं कि ये हमारा काम करवा देंगे, वो भी पाकिस्तानी हैं, वो कौन सा कोई किसी और दुनिया से आए हैं, पाकिस्तानी ना भी हों कोई और भी हो तो आपने फिर भी अपने पैसों को सेफ रखना है। जब तक आपका कोई करीबी ताल्लुक वाला नहीं है या आपको यकीन नहीं है तब तक आपने किसी से काम नहीं करवाना, तो बस इन चीज़ों का ख्याल रखें और अल्लाह ताला जो है सबकी परेशानियों को दूर करे। और जो लोग भी अपने फ्यूचर के लिए अपने रिज़क के लिए कोशिश में लगे हुए हैं अल्लाह ताला उन सबको कामयाबियाँ अता करे, और अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर भी आसानियाँ करे, हमारे मुल्क के हालात भी अच्छे करे ताकि हमें बाहर कहीं जाना ना पड़े। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।